नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज की वीडियो सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाली वीडियो है मुझसे इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम पर अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो आप मेरी दोनों आईडी पे जोड़ सकते हो, भटनागर अभी 24/11 पे भी जोड़ सकते हो, और टैग भटनागर जो मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक बनाई है आप लोगों के लिए, जिसमें आपकी समस्याओं को, आपके चैनल्स की प्रॉब्लम्स को मैं वहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ। तो आज ही मेरे को आप फॉलो कीजिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कीवर्ड्स का, हाई सीपीसी कीवर्ड्स का। तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया एक वीडियो बना दीजिए इसके ऊपर, तो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, आई बटन में छोड़ दूंगा, आप जाके उसको देख लेना। देखो, आपकी इनकम डिपेंड करती है कि आप राइट कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और वो जो कीवर्ड्स हैं उनकी इंडिया में या जिस कंट्री के लिए भी आप टारगेट कर रहे हो वहाँ पर उनके वैल्यूज़ क्या हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जिस कीवर्ड पे आप वर्क कर रहे हो क्या उसको लोग सर्च भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनकी मंथली सर्चेस क्या हैं। आप बहुत सारे वीडियोज़ आपने यूट्यूब पर देखे होंगे जिसमें बहुत सारे पेड टूल्स के बारे में बताया जाता है, जबकि गूगल खुद अपना एक टूल देता है जिसको कीवर्ड प्लानर कहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को सर्च करने में दिक्कत आती है। तो ये वीडियो आज कंप्लीट देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको अपने कीवर्ड्स को निकालना है और आपको राइट कीवर्ड्स कैसे मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि कीवर्ड जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो हमारा हाई सीपीसी और एक हमारे लो सीपीसी। अब हाई सीपीसी जो कीवर्ड्स होते हैं उसके अंदर आपको कंपटीशन, देखो लो भी मिल सकता है और हाई भी मिल सकता है, इसमें सिर्फ सर्चेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि जो कीवर्ड है वो कीवर्ड, जैसे इंश्योरेंस का कीवर्ड है तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको लो कंपटीशन ही मिले, हो सकता है आपको हाई कंपटीशन भी वहाँ पर देखने को मिले। लेकिन हाई सीपीसी के साथ वॉल्यूम अच्छी खासी मिल जाती है, ये भी एक फैक्टर है। वहीं लो सीपीसी में कंपटीशन बहुत होता है और वॉल्यूम भी कई बार आपको लो मिलती है। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन है, अगर हाई सीपीसी है तो हाई कॉम्पिटिशन हो सकता है, और लो सीपीसी है तो यहाँ पर हाई वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप गूगल प्लानर कीवर्ड प्लानर टूल के थ्रू काम कर रहे हैं तो। अब हाई सीपीसी कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं, मैं इंडियन करेंसी में समझाऊंगा, डॉलर में मैं नहीं समझाऊंगा। हाई सीपीसी कीवर्ड्स वो होते हैं जो 20-25 रुपए, 40 रुपए पर क्लिक आपको दे रहे हैं, या 200 रुपए, 500 रुपए क्लिक दे रहे हैं आपको। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आपको दिखाई दे रहा है कीवर्ड प्लानर में कि 500 रुपए का कीवर्ड है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 500 रुपये ही आपको देके जाए, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में बड़ा मिसइंटरप्रेट कर जाते हैं कि 500 रुपये दिखा दिए तो उसने पूरा आर्टिकल लिख दिया या उसने वीडियो बना दी और वो बैठ गया आराम से सोच के कि यार अब तो एक ही वीडियो पे मेरे को 500,000 रुपये एक साथ में बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, एवरेज निकल के आती है कि उस कीवर्ड के ऊपर कितनी बिडिंग लग रही है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। और लो सीपीसी कीवर्ड्स तो आपको पता ही है, वो तो वही होते हैं पैसों वाले, कुछ पैसों में। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप गूगल एडवर्ड्स पे अपने एड्स लगाते हैं तो आप 0.20 की बिडिंग देते हैं, तो एक रुपए में आप 5 व्यू या 6 व्यू आप लोग खरीद रहे होते हैं। जब आप उसी कीवर्ड को डाउनग्रेड में लगा रहे हो तो आप समझ सकते हो कि क्या आपकी स्थिति आएगी। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कीवर्ड हाई सीपीसी और लो सीपीसी का क्या चक्कर है। जैसे मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हाई सीपीसी में हाई कंपटीशन हो सकता है और लो सीपीसी में हाई वॉल्यूम भी आपका हो सकता है। ये मैंने सिर्फ आपको दर्शाने के लिए बताया था कि कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं। अब मैं चलता हूँ कीवर्ड प्लानर टूल की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको अपनी राइट तरीके से आपको सर्चिंग करनी है। तो चलिए फिर चलते हैं। तो जैसे कि आप गूगल एड्स हमारा देख रहे हैं, मैंने एक कैंपेन लगाया था और मैं कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहा हूँ, और अगर ये एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेसफुल होता है तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में वीडियो के थ्रू बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पर आपको टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना है, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर, इसको आपने ओपन करना है, एंड आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाना है, और यहाँ पर आपको जो भी आपको कीवर्ड सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब कीवर्ड्स, ठीक है।
एंड इसका यहाँ पर वेबसाइट ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको लिख के छोड़ देते हैं। अगर मैं इसको लिख के छोड़ देता हूँ तो मेरे को देखिए आप क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर मैंने लोकेशन इंडिया को रखा है और लैंग्वेज इंग्लिश रखी है और सर्च नेटवर्क को भी मैंने गूगल रखा हुआ है और मैं लास्ट 12th मंथ की यहाँ से देख रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो YouTube कीवर्ड्स जो कीवर्ड है अपने आप में उसके ऊपर 9900 लगभग 10,000 के करीब आपको जो मंथली सर्चेज हैं, एवरेज मंथली सर्चेज हैं ये मान के चलना, और इसका कॉम्पिटिशन भी आपको लो मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम बिट रेंज की बात करें तो 485 रुपये से लेके 730 रुपये के बीच में इसकी जो कॉस्ट पर क्लिक है, या कहूँ इसकी जो बिडिंग हो रही है वो इतनी हो रही है। तो अगर आप YouTube कीवर्ड्स के ऊपर वीडियोस को बनाते हैं, एक वीडियो से नहीं आएगा, 4-5-6-10 वीडियो बनाओगे, अलग अलग तरीके से समझाओगे, तब तो हो सकता है कि रैंक करे कीवर्ड आपका। उस केस में फिर आपकी जो अर्निंग्स हैं वो यहाँ पर अच्छी हो सकती हैं। इसके साथ साथ कंपटीशन भी आपको लो मिल रहा है। अब यही हाई CPC कीवर्ड हो गया, अगर आप यूट्यूब कीवर्ड्स के ऊपर, जैसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, बहुत सारे और अदर यूट्यूबर्स हैं वो बनाते हैं इसी तरह से। आप और चलिए, एक टैग हमें मिला यूट्यूब टैग जनरेटर, जो कि बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है गूगल के ऊपर। और आपको पता ही है अगर गूगल नंबर 1 है तो नंबर 2 पे यूट्यूब आता है। तो अगर आप इसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब टैग जनरेटर आप कोई निकाल लेते हैं फ्री का और उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो एवरेज जो सर्चिंग है वो आपकी 18,100 है और कंपटीशन यहाँ पर भी लो है, लेकिन यहाँ पर बिट रेंज भी यहाँ पर लो आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर लो CPC का कीवर्ड है तो उसकी जो कंपटीशन है या उसकी जो बिडिंग है वो आपकी उस हिसाब से हो जिस हिसाब से आपकी हाई CPC है। साथ साथ अगर लो CPC का कीवर्ड होगा तो हो सकता है कि उसकी जो वॉल्यूम है सर्चेस की वो ज़्यादा हो, लेकिन कंपटीशन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लो है। इसी तरह से अगर आप आगे चलते जाएंगे, यहाँ पर 587 कीवर्ड उसने निकाल के दिए हैं, इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर देखें, एक वीडियो है, एक कीवर्ड हमें मिलता है यहाँ से जो कि हाई CPC का है, लेकिन उसकी जो मंथली सर्चेज हैं, एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे, एवरेज मंथली सर्चेज हैं वो हमारे YouTube वायरल कीवर्ड्स की 10 हैं। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम कंपटीशन के थ्रू भी इसे कर सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा करता हूँ, ये देखिए अगर हम इसको सॉर्ट करते रहेंगे तो हमें काफ़ी हद तक चीज़ें मिलेंगी। इसी तरह से एवरेज मंथली सर्चेज के थ्रू भी हम यहाँ पर चल सकते हैं। तो आप YouTube कीवर्ड प्लानर के ऊपर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो अगेन 2400 मंथली सर्चेज आपको मिलती हैं, साथ साथ आपका बिड रेंज भी आपका ये आता है। एग्जैक्टली आपको पता चल रहा है कि आपको क्या मिलेगा। अगर आप 4 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में भी कोई रकम लेते हैं, अगर इसको 20-22 रुपये भी मानते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि कितना आपको पैसे मिलेंगे। अब इसको और रिफाइन करना है हमने, क्योंकि हमने सिर्फ इसको YouTube कीवर्ड्स लिख दिया था और हमने कोई इसके अंदर वेबसाइट हमने नहीं दी थी। अब हम यहाँ पे वेबसाइट भी देंगे, हमारी मेन वेबसाइट है हमारे YouTube की। तो यहाँ पर जब भी आप सर्चिंग करते हैं तो ये पूरी वेबसाइट का एड्रेस देना आपको ज़रूरी है, इससे आपको और पता चल जाता है कि रिजल्ट्स आपके क्या आ रहे हैं। तो मैंने YouTube कीवर्ड सर्च किया, किस पे सर्च कर रहा हूँ मैं, YouTube.com पे, क्योंकि मैंने उसको बता दिया कि मुझे इस वेबसाइट के ऊपर चाहिए YouTube कीवर्ड्स के कितनी बार लोग सर्च करते हैं। अब हमें और एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमारे कितने कीवर्ड्स यहाँ पर आए। अब आप देखिए, पहले 587 कीवर्ड आए थे लेकिन अब 401 कीवर्ड्स आए हैं, और इसमें YouTube कीवर्ड्स की जो स्थिति है वो वहीं की वहीं है जो पहले भी दिखा रहा था और अब भी दिखा रहा है। उसके बाद YouTube कीवर्ड टूल के ऊपर 4,500 मंथली एवरेज सर्विसेज हैं, और आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि बिडिंग रेंज जो है वो कितनी अच्छी चल रही है। आप इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं, कोई और कीवर्ड हम लोग यहाँ सर्च करके देखते हैं, जैसे कि YouTube SEO के, YouTube.com के ऊपर YouTube SEO के ऊपर कितनी वीडियोस बनते हैं या कितनी बार सर्च किया जाता है और क्या CPC उसकी आती है। तो यहाँ पर अगेन आप देखिए, YouTube SEO के ऊपर 5,500 के करीब एवरेज है और लो कंपटीशन है, और साथ साथ आपका 5 रुपये से लेके 60 रुपये के बीच तक आपका रह रहा है, जो कि ठीक है इंडिया के हिसाब से। अब यहाँ पर अगर मैं इंडिया के अलावा किसी और कंट्री को लेके जाता हूँ,
ठीक है, देखो अब YouTube कीवर्ड रिसर्च में 1,000 एवरेज है और 74 से लेके आपकी 1,000 के बीच में बिडिंग चल रही है। अब यहाँ पे इंडिया की जगह मैं कोई और कंट्री यहाँ पर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ मैं यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखते हैं कि इसकी बिडिंग हमें क्या मिलती है। तो ये देखिए मैंने इसकी बिडिंग को चेंज मतलब कंट्री को मैंने यहाँ चेंज किया है, तो बिडिंग यूनाइटेड स्टेट्स में यूट्यूब एसईओ की ये चल रही है, तो लगभग लगभग सेम सी चल रही है, कोई ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी जो कीवर्ड की रिसर्च है उसको आप अमलीजामा पहना सकते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको ये इल्म हो गया होगा कि किस तरह से आप रिसर्च करेंगे। जो भी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, बिंग पे काम कर रहे हैं, इंडेक्स पे काम कर रहे हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ को कंसिडर करिए। साथ साथ लास्ट 12th मंथ को भी देख सकते हैं और लास्ट मंथ की भी आप सर्चेस यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिसंबर ही लास्ट मंथ आ रहा है, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि लास्ट मंथ इसकी क्या स्थिति रही, नहीं तो आप इसको और कस्टमाइज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और यूं ही मेरे साथ बने रहिए। और क्या आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।